अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राई फिश की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 6 टेबल स्पून दही ले ली, 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ले ली, 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया और 2 टेबल स्पून ही मैंने फ़िश मसाला ले लिया और 3 केजी मैंने फ़िश ले ली है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिश का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया, 2 टेबल स्पून मैंने फ़िश का मसाला ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ले ली, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली ले ली और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया। 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करके हमें इसका अच्छी तरह से मिक्सर बना लेना है। इस तरह से हमने एक मिक्सर तैयार कर लेना है। अब हम इसमें 1 by 1 करके फिश ऐड करेंगे। इस तरह से आपने इसको इस मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करना है। इस तरह से हमने अपनी सारी फिश को मिक्सचर लगा लिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे मैरिनेट के लिए। इधर हमारी फिश बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी थी, तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इधर हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम इसमें 1 by 1 अपनी फिश के पीस ऐड करेंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फिश को फ्राई करना है। तो इधर हमारी फ्राई फिश बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।